तो गाइस यहाँ पर हम आ गए किचन में और ये जो कागज में नमक था आप देख रहे हो ना, जैसे ही मैंने उठाया और ये गिर गया, नमक ख़त्म था तो कविता के यहाँ से मंगा लिए थे। मैंने कहा कि चलो ले आएंगे, 7 बजे से तो आपको पता ही ना लॉकडाउन लग जाता है तो फिर जाना भी नहीं मिलता है प्लस सामान भी नहीं मिलता है, तो इसलिए वहाँ से आ गया था। और अभी मैं प्याज को छोटे छोटे पीस में कट कर रही हूँ, बिल्कुल महीन वाला प्याज, और एक मिर्ची अलग से कट कर रही हूँ, अभी मैं आपको बताऊँगी क्यों। और अब मैं चढ़ा दूँगी तावा, इससे पहले मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा नमक डालूँगी स्वाद अनुसार। यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ अंडा ब्रेड और आमलेट, तो 2 अंडे मैंने लिए हैं क्योंकि अभी जस्ट बाबू के लिए और उनके पापा के लिए बनने जा रहे हैं और अभी पापा नहीं आए हैं, तो सबसे पहले मैं तावा चढ़ा दूँगी, तावा गर्म हो जाए और अच्छे से ही अंडे को फेंट लेंगे। जितने अच्छे से फेंटोगे ना उतने अच्छे से आपका अंडा जो होता है ना आमलेट वो काफ़ी अच्छे से फूलता है और काफ़ी अच्छा भी लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है खाने में, टेस्टी लगता है, जिससे होता है ना ब्रेड वगैरह उस टाइप का लगता है इसका टेस्ट। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा रिफाइंड डालेंगे हल्का सा, क्योंकि जब आप अपना आमलेट बनाओगे ना तो उसमें लगे ना चिपके ना, इससे काफ़ी अच्छे से जो है ना आमलेट चिपकते भी नहीं और निकल भी जाते। आज कैसे बोल रही है, और ये मेरी जो कलछुल है ना ये टूट गई है, तो अभी काम चलाओ रख ले रही हूँ इसी को। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा डालने जाती हूँ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मात्रा हो जाती है इसकी क्योंकि बाबू परेशान कर रही थी, जैसे ही मैंने उधर देखा तो वो नीचे गिर गया। अब इसको आप दोबारा उठा भी नहीं सकते हो, तो बस मैंने कहा चलो कोई नहीं। और काफ़ी अच्छा लगता है खाने में इस तरीके से, आप ज़रूर बनाना, वैसे तो आप लोग बना ही लेते होंगे लेकिन अगर जिन्हें नहीं आता तो वो एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे जो अंडा खाते हैं। और जब ब्रेड के साइज़ का होता है तो अच्छे से सिक जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है ना ब्रेड से, तो इसको हम साइड साइड से दबा देंगे ताकि ये कच्चा पन ना आए और खाने में टेस्टी लगे। जब थोड़ा थोड़ा सा आप दाब दोगे ना तो ये काफ़ी अच्छे से फूल जाता है, दोनों साइड से आपको हल्के हल्के से ब्राउन टाइप का सेक लेना है। आप देख रहे हो कितनी आसानी से इधर उधर घूम जा रहा है ना, अगर आप ज़रा भी ऑयल कम करोगे ना तो वो चिपक जाएगा। तो फर्स्ट हम इस तरीके से बना लेंगे, और सेकेंड वाला जो काफ़ी अच्छे से बन गया था इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए ये बिल्कुल साइज का बना है। और बाबू बहुत नखरे कर रही थी खाने के लिए, अभी बताती हूँ क्यों, क्योंकि गलती से मैंने उसके में प्याज डाल दिया और वो प्याज नहीं डालती। ये देख रहे हो ना कितना प्यारा और कितने अच्छे से बन गया है, सिक गया है, ये देखिए। तो ये 2 बाबू के लिए है, और एक आमलेट जो बन रहा जिसमें मैंने मिर्ची डाली थी ना, ये वाला आमलेट टाइप का बना रही हूँ जस्ट इनके पापा के लिए। और बस इसको फटाफट से सेक लेंगे और दे देंगे खाने के लिए। तो चलिए निकाल लेते हैं दोनों को ही अच्छे से, देखिए कितने अच्छे से फूल रहा है ना, तो वो चलिए फटाफट से इनको दे देते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर से। ये क्या खाने जा रही है बताइए अब, ये क्या है, ये अंडा, ये ब्रेड है। अच्छा कैसे खाएंगी, अच्छा तो चलिए फटाफट से खा लीजिए फिर बोलिए। चलिए खा लेते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से, बोलो बोलो अच्छा। तो गाइस यहाँ पर दोनों लोग ही आमलेट खा चुके हैं, और थोड़ा सा मैं बिस्तर झाड़ने जा रही हूँ क्योंकि जब आप रात में सो के उठते हो ना तो बिस्तर बहुत ही ज़्यादा मैसी हो जाता है और बैठने का मन भी नहीं करता है। मैंने कहा पापा के आने से पहले, पापा आ जाते हैं ऑफिस में नहाने, तो मैंने कहा उनके आने से पहले बिस्तर साफ़ कर देते हैं, और ये भी बोले कि थोड़ा सा रेस्ट मैं कर लेता हूँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो बिस्तर को हल्के से झाड़ दिया, वैसे ज़्यादा कुछ नहीं रहता है क्योंकि रात में सोते समय तो हम वैसे भी झाड़ देते हैं। और ये जो आपको रेड रेड पीछे दिख रहा है ना ये क्या है, मेरी चादर जो है ना छोटी सी हो गई थी, छोटी हो जाती है इस पर तो जो पुरानी चादर मेरी फट जाती है ना, तो मैं उसको जोड़ देती हूँ तो चादर ख़राब भी नहीं होती है, वेस्ट भी नहीं जाती और काम भी आ जाती है, और वो तकिए के नीचे भी दिख जाती है। जो दूसरा कलर रहेगा ना जब आप सिराने पे तकिया रखते हो ना तो वो दिखेगी भी नहीं, अगर आप नीचे रखोगे तो वो दिखेगी। ये देखिए तकिया हमने रख दिया तो फिर वो ढक गए, और रात में ये सोए थे तो तकिए का खोल ही निकाल डाले। और ये तकिया तो आपको पता ही कि मैंने खुद से बनाई थी, और इसका कवर भी मैंने खुद से बनाया, आप लोग तो जानते ही हो ना। तो इनको फटाफट से चढ़ा देते हैं और ये थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। मैं हल्की फुल्की सी झाड़ू मारूंगी, ज़्यादा मतलब अच्छे से नहीं, जो सामने सामने दिखता है क्योंकि बहुत ही अच्छे से लगाने में टाइम लगता है, तो जैसे ऐसी मार रही हूँ समझ लो लाइटली, जैसे मेकअप बोलती हूँ उस टाइप का, क्योंकि अभी सबके जाने के बाद दोबारा से झाड़ू पोछा होता है
और एक बार हल्के से इसलिए मार देती हूँ ना ताकि जो खिसिर खिसिर होता है ना वो ना हो। तो इसके बाद हमने यहाँ मार दी, अब हल्का सा यहाँ जस्ट मार देंगे क्योंकि उतना गंदा होता भी नहीं, लेकिन पोछा लगाने के टाइम आपको अच्छे से ही मारना पड़ता है क्योंकि जब पोछे गंदे हो जाते हैं तो गंदा लगता है, खिसिर खिसिर होने लगता है। तो चलिए झाड़ू मार लेते हैं, फिर आराम से आप लोगों से थोड़ी देर में मिलते हैं, कुछ बातें करते हैं, ठीक है। एवरीवन गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। तो जस्ट अभी मैंने बाबू के लिए आमे, आ बेटा क्या है, पापा को दिखाए, ठंडा है पापा को, बाबू को नहीं दिखाए, पापा ठंडा बेटा, लो लो क्या दिखाए बताओ, पापा को क्या दिखाए। तो अबू अभी बाबू को मैंने बना के दिया आमलेट और हले हले आमलेट बना के दिया और ब्रेड के साथ। और जब कुछ अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, स्पेशल करने की कोशिश करती हूँ तो वो खराब ही हो जाता है, वो भी आप लोगों के सामने, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। तो मैंने कहा आप लोगों को मॉर्निंग, बाबू इतना शोर कर रही, बाबू चुप हो जाओ थोड़ी देर, चुप हो जाओ, शांत रहो यार। तो अभी जस्ट हमने झाड़ू भी हल्की से मार ली, बिस्तर मैंने क्लीन किया था तो ये रेस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा तब तक आप लोगों को मॉर्निंग विश कर देती हूँ। ये देखिए क्या, ये क्या हो रहा है, चलिए बैक कैमरे से दिखाती हूँ रहा है, ये क्या हो रहा है बाबू, बाबू शर्मिला हो गया क्या, बाबू नहीं देखना चाहती क्या, कैमरे के सामने नहीं आना चाहती, नहीं ये क्या है, चलो आपके नहीं करते, पापा की करते हैं, पापा की करते हैं। आप नहीं आ रहे बेटा, आके देख लो, आओ पापा, बाबू आओ, आओ देख लो पापा आ रहे हैं, आओ देखो, देखो पापा का पैर नहीं आ रहा, देखो इधर से आके देखो, इधर से देखो, नहीं आपका नहीं दिख, पापा दिखा दे, पैर कहाँ दिख पापा का, हाँ आपका नहीं दिख, आपका नहीं दिख बेटा, बेटा आपका नहीं दिख, आपका आपका नहीं दिख बेटा, ये क्या है, क्या हुआ है, बैठी हो आपका दिख नहीं, बाबू को नहीं दिखेगा, बाबू नहीं दिख। और आज बाबू जल्दी नहा लिए, बाबू मम्मा के साथ, भाई बाबू तो बहुत क्यूट हो गई है, आपका नहीं दिख बेटा। तो चलिए गाइस अभी मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में, ठीक है। जिंदगी में पहली बार ये काम करने जा रहे हैं हम लोग, आप लोगों के लिए हम लोगों ने सोचा कुछ अच्छा करेंगे, इससे पहले आज तक हम लोगों ने क्या ये काम नहीं किया है, रोना आ रहा है। स्टार्ट कहाँ से करते हैं, पहला स्टेप कहाँ था, अभी आपको पता चल जाएगा क्या है, क्या करने जा रहे हैं, ये क्या है। अरे ऐसे थोड़ी ना करते हैं जैसे तुम कर रहे हो, ऐसे ऐसे कमर पे हाथ रखते हैं, कैसे, और तुम भी रखो, ये मारो नहीं यार, उल्टा क्यों घूम रही है,
ऐसे नहीं घुमाएगा, ऐसे करो तुम। हम पकड़ेंगे, तुम पकड़ोगे क्या है? हम उंगली देंगे ना, शायद तुम पकड़ोगे ना, तो ऊपर करो ना ऐसे। हाँ ऐसे रहता है, घुमाओ ऐसे नहीं, ये छतरी नहीं लगा के। वन टू ऐसे कैसे करते हैं? हाँ ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो, फिर ऐसे करो, ऐसे फिर ऐसे ऐसे आ गया। सीधो दिन आ गया, अरे हाथों को सही पकड़ो, ऐसे नहीं पकड़ते हैं, ये अच्छे पकड़ते हैं, क्या ऐसे रहता है? चलो थ्री हम इधर हैं, इसको बोल रहे होंगे। अच्छा फाइनल उधर उधर। हाँ हाँ ये है, कैसे चल पाएंगे? मुझे भी नहीं याद है यार। अब चलो पूरा स्टेप फॉलो करो डांस पे, पूरा फेस से करो, शुरू से। शुरू स्टार्टिंग कैसे होती है? यहाँ से चलो करते हैं। रहना तो पल पल के पास, रहना तो पल पल दिल के पास, रहना तो पल पल दिल के पास, रहना तो पल पल दिल के पास। डांस की प्रैक्टिस इतनी जिंदगी में पहली बार ये किया हम लोगों ने, आपको कैसा लगा? आपको लोगों को कैसा लगा बताइएगा जरूर। पहली बार ये किया तो मैंने कहा आप लोगों को क्यों नहीं दिखाते हैं ना, बस आप कुछ नहीं करो, ये करो ये करो, चलिए मिल जाएगी थोड़ी देर से आप लोगों से, ये करो। तो गाइस रात के बज चुके हैं 10:30 और पापा आ गए हैं, तो मैंने कहा चलो उनके लिए रोटियां बना देती हूँ और ये खा लिए हैं, और थोड़ा सा मेरे लिए चावल रखा है, तो मेरा रोटी खाने का मन नहीं है, जस्ट पापा के लिए बना रही हूँ 5 रोटी। जब तक तावा गर्म हो रहा था ना, जब तक मैंने नीचे बैठ कर आराम से रोटी बेल रही, क्योंकि सब कुछ मैं क्लीन कर चुकी हूँ, और जब ऊपर गिर जाता है ना बर्तन तो उतने अच्छे से साफ सफाई नहीं हो पाती है, तो इसलिए मैंने कहा नीचे बेलूँगी तो लगे हाँ झाड़ू भी लग जाएगी और साफ हो जाएगा, लेकिन ऊपर बेलूंगी तो बहुत गंदा हो जाएगा। तो यहाँ पर फटाफट से मैंने 5 रोटी बनाई है, पापा 4 या 5 ही खाते, इससे ज़्यादा नहीं, बहुत हुआ 4 या फिर 5 बस। तो अब मैं उनके लिए निकाल रही हूँ सब्जी, सब्जी मैंने बनाई है आलू बोड़े की, और बस तो फटाफट से मैंने उनके लिए निकाल ली है, तो चलिए दे देते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में आराम से, ठीक है। अभी बज रहे हैं 11 और अब हमारा हो गया है लेटने का टाइम, सोने का नहीं, क्योंकि अभी तो बाबू सोने से रहे नहीं। जिंदगी में पहली बार इन्होंने ये काम करवाया हमसे। क्या करवाया है आपसे? ये आप लोग वीडियो में देख लीजिएगा, करने का मन नहीं था हमारा, तो करना चाहिए। अच्छा ये बताइए कपल डांस रोमांस डांस करना चाहिए? ये रोमांस डांस होता है ये तो ये वाला थोड़ी ना कोई डांस की हो तो। अब मेरा मन किया कि यार कभी आज तक हम लोगों ने कपल डांस नहीं किया, तो चलो कर लेते हैं, और आप लोगों को तो कभी हम लोगों ने किया नहीं, तो मैंने कहा चलो पहली बार प्रैक्टिस करते हैं, और यादगार भी रहेगी है ना, तो यादगार तो यादगार तो जरूरी चाहिए, इसी वजह से फिर हम लोगों ने सोचा, मतलब मैंने सोचा कि क्यों नहीं करते हैं, और रिकॉर्ड भी हो जाएगा और हमारी यादें रहेंगी है ना, पहली बार की यादें तो होना जरूरी है। ऑन कैमरा ये हम लोगों ने काम किया है ऑन कैमरा, और हो सकता है इस पर बवाल भी हो, कुछ बैड कमेंट भी करे, लेकिन क्या अगर कोई कुछ बोलेगा, आदमी को खुश मिले खुशी होनी चाहिए, और कोई बैड कमेंट किया कोई देखा फिर कुछ कोई कोई फर्क नहीं पड़ता,
इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, देखते हैं इससे क्या इफेक्ट पड़ता है। लेकिन आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट प्लीज दीजिएगा, अगर आप लोगों को कुछ भी गलत लगा तो वो भी बताइएगा, है ना। और नया चाहिए तो भी बताइएगा। और इतने पहली बार कपल डांस किया, मैंने कभी देखा ही नहीं था, बस थोड़ा थोड़ा दिमाग में था तो हम लोगों ने कर लिया, उतना मुझे याद नहीं है। और इन्हें तो बिल्कुल नहीं याद है, जो मैंने बताया बस वही ये कर पाए हैं और कर ही नहीं पा रहे थे, है ना। और अब क्या देखना चाहते हो और कुछ नया चीजों के साथ तो बताइएगा जरूर, ठीक है। तो चलते हैं, ब्लॉग का यही करते हैं और मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।